श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य श्रीमद्भद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में सम्यक चारित्र के भेद रूप देश चारित्र का वर्णन करते हुए श्रावकों के लिए श्रावकाचार का यह वर्णन प्रारंभ होता है। पांच प्रकार के अड़व्रतों का एक उल्लेख पिछले सूत्र में किया था। वो पांच प्रकार के अड़व्रत किस रूप में ग्रहण किए जाते हैं, उनको किन नामों से पुकारा जाता है, वह नाम और उसके बाद में एक एक अड़व्रत का स्वरूप बताते हुए उसके अतिचार यानी दोषों का भी निराकरण करने के लिए ज्ञान देते हुए पांच अड़व्रतों का यह कथन प्रारंभ होता है। पांच अड़व्रतों के नाम यह श्लोक नंबर 52 प्रारंभ होता है। प्राणातिपाथ वितथ व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्यः स्थूलेभ्य पापेभ्यो विपुरम मणुव्रतम भवति। व्यपुरमण मणुव्रतम भवति। व्यपुरमण मणुव्रतम भवति। पढ़ो। प्राणातिपात वितथ मणुव्रतम भवति। ये अणुव्रतम भवति, ये अणुव्रत हैं। स्थूलेभ्यो पापेभ्यो विपुरमण, स्थूल पापों से विपुरमण का मतलब दूर होना, रमण का विपरीत विपुरमण होता है। स्थूल पाप जो पांच प्रकार के हैं उनके नाम दिए हुए हैं। पहला है प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात करना यानी प्राणों का घात करना प्राणातिपात कहलाता है। अतिपात शब्द जो है पात शब्द से बना है, किसी का पतन कर देना, किसी के प्राणों को गिरा देना। अति माने अत्यधिक रूप से जो पतन हो जाता है जिससे कि वह जीव ही गिर पड़ता है, मर जाता है, वह प्राणातिपात कहलाता है। तो किसी के भी प्राणों का अतिपात करना, गिरा देना, यह प्राणातिपात प्राणी वध का ही दूसरा नाम है। वितथ व्याहार, वितथ माने होता है झूठा, व्याहार माने होता है शब्द, झूठे शब्द बोलना, झूठा वचन कहना। स्तेय माने चोरी, काम माने मैथुन या कामिच्छा और मूर्छा माने परिग्रह के प्रति लालसा। ये पांच प्रकार के स्थूल पाप बताए गए हैं, हिंसा, झूठ, चोर, चोरी, कुशील और परिग्रह, उसी को यहाँ पर इन शब्दों में लिखा है। ये पांच प्रकार के स्थूल पापों से विरुद्धि होना, दूर होने का नाम अड़ुव्रत कहा गया है। अब यहाँ पर पांच प्रकार के पापों पर ध्यान देना है और प्रत्येक पाप में स्थूल रूप से ही ध्यान देना है। जो पाप स्थूल रूप से हैं, सूक्ष्म रूप से नहीं,
स्थूल रूप से होने वाले पापों से विरक्त होना। स्थूल का मतलब होता है जो बड़ा बड़ा पाप है, जो सबके देखने में आता है, जो समाज में भी कहने में गलत आता है और जो सबके लिए बुरा भी लगता है, जिसके फल से बाद में इस जीव को अनेक तरह का अपयश, निंदा इत्यादि का भी सामना करना पड़ता है। इस तरह के पांच पापों से जो दूर रहा जाता है, उसमें सबसे पहले समझने के लिए हिंसा नाम का ही यह पाप है। सबसे पहला कौन सा? स्वयं आचार्य देव क्रम क्रम से आपको समझाएंगे कि ये पांचों ही प्रकार के पाप किस तरह से हमें छोड़ने योग्य हैं, इनमें क्या क्या छोड़ा जाता है, क्या क्या इनके दोष लगते हैं, उन सब का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से यहाँ आगे आ रहा है। तो अभी तो इतना ही जानना कि जो हमारे अंदर पापों की प्रवृत्ति होती है, उसके भीतर भी बहुत बड़ा कारण हमारे कषाय भाव रहते हैं। पापों की प्रवृत्ति किससे होती है? हमारी अंतरंग की कषाय से। हम अपनी कषाय की पूर्ति करने के लिए ही पाप किया करते हैं। जब हम अपने कषाय पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाते, तो हम अपनी कषाय के माध्यम से दूसरे जीवों को हानि भी पहुंचाते हैं, हिंसा करके। जब हम अपनी कषाय पर नियंत्रण नहीं रखते, तो हम अपने ही भावों से दूसरों के लिए क्रोध से या लोभ के कारण से झूठ भी बोलते हैं। जब हम इस तरह का झूठ बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा लोक में प्रकट हो जाता है, तो वह हमारी कसाई के माध्यम से ही होता है। कसाई के कारण से ही जीव जो है उसमें अपना संतोष नहीं रख पाता। दूसरे का धन आदि ग्रहण करने में उसकी मनोवृत्ति जो बन जाती है, यह भी चोरी भी उसकी अंतरंग तीव्र लोभ कषाय के परिणाम से होती है। जो व्यक्ति के अंदर तरह तरह की काम वासनाएं, तरह तरह के अन्य लोगों के प्रति उसका राग के साथ में झुकाव होना होता है, यह भी एक पाप जो कि प्रच्छन्न रूप से हो या अप्रच्छन्न रूप से हो, यह पाप माना जाता है, जबकि वह समाज के अनुसार ना हो, जैसी लोक रीति चली आ रही है उसके अनुसार ना हो, तो वह भी पाप माना जाता है। तो उस पाप से दूर रहना भी यह स्थूल रूप से यहाँ पर बताया जा रहा है। और वह पाप भी अगर तीव्रता से होता है तो तीव्र कषाय के कारण से ही होता है। थोड़ी कषाय के परिणाम में जो जैसा होता है उसमें आदमी संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जब अंतरंग में तीव्र कषाय भाव होते हैं तो वह अपने रागादि कषायों को रोक नहीं पाता, उसके कारण से वह अनर्थ भी कर जाता है। और इसी तरह से बहुत ज़्यादा परिग्रह के प्रति लालसा, बाहर जो भौतिक संपदाएं हैं, बाहर भौतिक पदार्थ हैं, उनको ग्रहण करने की जो तीव्र इच्छा, यह भी उसके अंतरंग की अत्यधिक रागादि कषाय के कारण से ही संभव होता है। तो यह जान के रखें कि कई भी प्रकार का पाप हो, पांच प्रकार के पापों में प्रवृत्ति तो कषाय की तीव्रता से ही होती है। कषाय की मंदता होगी, आपकी इन पाप पांच पापों में प्रवृत्ति कम होगी। कषाय मध्यम होगी तो मध्यम रूप से प्रवृत्ति होगी। कषाय आपकी और मंद होती चली जाएगी, आपकी पांच पापों में प्रवृत्ति और कम होती चली जाएगी। और आप कषाय के कारण से ही बाहर अपना एक दिखावा कह लो, या अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए कह लो, या अपने लिए किसी भी तरह की चीज़ों का इकट्ठा करने की एक तीव्र इच्छा कह लो, ये सब चीज़ें हम अपनी कसाय के कारण से भी किया करते हैं। कुछ नहीं भी होता है तो भी मान कसाय के कारण से भी यह जीव कई तरह के इन पापों में प्रवृत्त हो जाता है। तो आचार्य कहते हैं जो भी हमारे अंदर ये पांच पापों का भाव आता है, ये भाव तो बाहर का है, बाद में दिखाई देता है, पहले अंतरंग भाव देखें तो वह हमारा तीव्र कषाय का परिणाम। कषाय के योग से ये सब होता है, और जो कषाय के योग से परिणाम होगा
वह परिणाम नियम से प्रमत्त दशा में ही होगा, वो आपको प्रमादी बना करके होगा। तो प्रमत्त के योग से जो कुछ भी होगा वह सब प्राण का व्यपरोपण हिंसा कहलाएगा। इसको आचार्यों ने कहा है कि जो व्यक्ति प्रमादी होकर कसाई होकर के हिंसा करता है उसको हिंसा का दोष अवश्य लगता है, न केवल हिंसा का बल्कि झूठ आदि सभी प्रकार के पापों का भी। तो इतना हम ध्यान रखें कि इन कसाईयों के पीछे मुख्य हेतु क्या है, इन पापों के पीछे मुख्य हेतु है कसाय और कसाईयों के पीछे मुख्य हेतु है हमारा भाव, जो उस कसाई के साथ में या तो बढ़ जाता है या बाहर की चीज़ों को देख करके भी वो भाव हमारा बन जाता है। कई बार हमारे भीतर कसाय मंद सी रहती है, नहीं भी होती है, लेकिन जैसे ही हमें बाहरी परिस्थितियां बाहरी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं तो हमारे अंदर कसाय वैसा ही भाव उत्पन्न कर देती है। तो भाव भी जो हैं हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं वह भी कभी कभी बाहर की चीज़ों के माध्यम से होते हैं, बाहर के वातावरण के माध्यम से होते हैं। आप जब तक सुबह सुबह उठ कर के ध्यान में बैठोगे, जब तक आप सुबह सुबह अंधेरे में रहोगे, जब तक आपको घर की चीज़ें कुछ भी नज़र नहीं आएंगी, तब तक आप देखना कि आपके अंदर कोई ऐसा विकलता का बेचैनी का कोई परिणाम नहीं होगा। जैसे ही उजाला होगा, लाइट ऑन करोगे, सब चीज़ें दिखने लगेंगी, अपने आप आपको हर चीज़ के प्रति एक चिंता होगी और आप हर चीज़ के बारे में सोचोगे। जैसे ही सोचना प्रारंभ करोगे आपको तरह तरह के काम दिखाई देंगे और बहुत प्रकार के काम में अपना मन लगाने के कारण से ही आप बेचैन हो जाओगे। वही आपके भीतर की कसाई होगी जो आपको भीतर ही भीतर परेशान भी कर देगी। समझ आया कि नहीं आया, क्या क्या कह दिया? लाइट खोलते ही कसाएं शुरू हो जाती हैं। अगर आप शांत होकर के उठे हो और शांत ही बैठे हो, लाइट नहीं खुली है, अंधेरा है, आप अपना मंत्र जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो इतना परिणामों में विकलता नहीं आती, इतने परिणाम अस्थिर नहीं होते, इतना परिणामों में बेचैनी नहीं आती। लेकिन जैसे ही उजाला होता है, सब कुछ दिखने लग जाता है, तो वही चीज़ें जो रखी हैं सामने अब वो कुछ कहती हैं कि हमें संभालो। समझ आ रहा है? चीज़ें अपने आप मानो कह रही हो हमें संभालो, यहाँ से उठाओ, यहाँ रखो, यहाँ की झाड़ू उठाओ, यहाँ से कूड़ा उठाओ, ये करो वो करो, सब दिखेगा। समझ आ रहा है? तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि हमारे अंदर कसाय भी बाहरी पर निमित्तों से भीतर पैदा होने लग जाती है। महसूस तो किया करो, जब ये महसूस करोगे तभी तो आप कभी अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। जब ये महसूस होगा कि देखो बाहरी चीज़ें दिखी, उजेला हुआ, बाहरी वातावरण हमारे सामने आ गया, तो हमें सब करना पड़ रहा है, तो आपको कभी ये भी लगेगा कि आज हमें कुछ नहीं करना, तो चलो आज हम कुछ चीज़ों को देखते ही नहीं, जो जहाँ जैसा है रखा रहने दो, आज हम केवल अपने आप से मतलब रखते हैं। तो ये चीज़ आपको तब महसूस करने में आएगी जब आप इस तरह से अपने परिणामों को देखोगे कि हमें बेचैनी क्यों हुई, हमें व्याकुलता क्यों होने लगी, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं लग रहा था और जैसे ही पता पड़ा, लाइट खुली, पता पड़ा रात में आंधी आई थी, डिब्बा उल्टा पड़ा है। जब अंधेरा था तब भी डिब्बा उल्टा तो पड़ा था। समझ आ रहा है? लेकिन तब तक कोई चिंता नहीं थी, जैसे ही उजाला हुआ और देखा कि डिब्बा उल्टा पड़ा है, तो अपने आप आपकी सामयिक छूट जाएगी। समझ आ रहा है? तो ये देखो कि वो चीज़ ने हमें अपने आप हमारे भीतर वह भाव पैदा कर दिया है ना। यही भाव हमारा अगर चीज़ों से हो रहा होता है तो चीज़ों के बिना भी हमारा जो भाव होगा तो वो अपने आप शांति का भाव होगा, ये आपको अनुभव कराएगा ये भाव। इस तरह से हर किसी जीव को ये छोटी छोटी बातों का अनुभव करना चाहिए। श्रावक की कहानी तो बड़ी लंबी होती है, कितनी प्रकार की उसके अंदर विकलताएं होती हैं, कितनी प्रकार की चिंताएं होती हैं, ये तो करने वाला ही जानता है ना। जो उन चिंताओं में कभी पड़ा नहीं वो किसी दूसरे की चिंता को क्या जानेगा। नहीं समझा? एक व्यापारी की चिंता को व्यापारी ही जानता है,
कि वो कितना तरह का जो है वो व्यापार कर रखा है उसने, और उस व्यापार की चिंता में उसका मन दिन रात कैसे उलझा रहता है। जब भी नींद खुल जाती है तो उसको क्या चिंता पड़ती है, समझ आ रहा है? जिस चीज का उसे डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वही चीज उसके बात में जहन में आ जाती है जैसे ही नींद खुलेगी, है ना। और उस अंधेरे में अगर नींद खुल गई और उसी उधेड़ बन में वो लग गया तो पता पड़ेगा कि 2 घंटे 4 घंटे उसी में निकल जाएंगे, वो फिर सो नहीं पाएगा। सुन रहे हो? ये बहुत तरह की चिंताओं में भी ये आदमी बड़े अच्छे ढंग से जी रहा है, ये हमें बहुत बड़ा आश्चर्य सा दिखता है, आचार्यों को भी दिखता है। लेकिन आचार्यों की इतनी करुणा है कि वह जो ये अड़ुव्रत बता रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आप इन अड़ुव्रतों का पालन करेंगे तो आपकी नींद अच्छी रहेगी, आपको कभी ज़्यादा चिंताएं नहीं सताएंगी और आप बिना डिस्टर्ब के अपना जीवन सुखपूर्वक जी सकोगे, है ना, अगर आचार्यों की बात मानोगे तो। अब मान भी कैसे पाओगे, है? जब हमारे लिए कोई चिंताएं हमने बढ़ा ही रखी हैं तो उन चिंताओं को घटाने के लिए अगर हम मन बनाएंगे तो ही कुछ हमें फ़ायदा मिलेगा, और नहीं बनाएंगे तो कभी कभार वो चिंताएं हमारे लिए कोई ना कोई दिक्कत दे देती हैं। आपको नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगी, सब तरीके की बीमारियाँ शुरू हो जाएगी, समझ आ रहा है? तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें लगता है कि नहीं ये तो चलता रहता है, होता रहता है ना, ये तो सबके साथ ही होता है, ऐसा भी सोच करके हम अपनी चिंताओं को कभी घटाने की कोशिश करते नहीं हैं। जबकि आप अड़ुव्रतों के माध्यम से जीवन बहुत निश्चिंत और निराकुल होकर के बिता सकते हो, ये अड़ुव्रतों का सबसे बड़ा लाभ है। कषायें कम होंगी तो आपको निश्चिंतता भी अच्छी आएगी, और निश्चिंतता होगी तो ही चैन की नींद आएगी। हैं? अब महाराज केवल चैन की नींद ही लेते रहें, कुछ काम भी करें, चिंता भी करें, करो तो, लेकिन उतनी करो कि जिससे खुद अपना घात ना कर बैठो, खुद ही अपना हार्ट अटैक ना कर लो, खुद ही अपने जो है अपनी सांसें खुद अपने ही लिए घातक ना बन जाएं, खुद ही अपने लिए वह ब्लड प्रेशर बीमारी का रूप ना ले ले, इतना ही करो जितना कि कम से कम पहले इतनी चिंता तो करो कि हमारे प्राण अच्छे रहें, सुरक्षित रहें। ये भी छोड़ दिया, हमारे प्राण भी तुम्हारे लिए हैं, घरवाली के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, बस हमारे भी प्राण अगर जाएंगे तो इन्हीं की चिंता में जाएंगे, है? ऐसा सोचने वाला तो कभी अड़ुव्रति बन ही नहीं सकता। तो आचार्य कहते हैं अड़ुव्रति बनने के लिए आपको क्या करना है, तो पहले हिंसा पर गौर किया जाता है। आगे का श्लोक पढ़ते हैं, 53 नंबर। संकल्पात् कृत कारित मननाद्योगत्रयस्य चर सत्वान् नहि नस्ति यत्तदाहु स्थूलवदाद् विरमणम् निपुणाः। पढ़ो एक बार। संकल्पात् कृत कारित मननाद्योगत्रयस्य चर सत्वान् नहि नस्ति यत्तदाहु स्थूलवदाद् विरमणम् निपुणाः। निपुणाः, निपुणा का मतलब जो निपुण लोग हुए हैं, कुशल लोग हुए हैं, अहिंसक लोग हुए हैं, जिन्होंने हिंसा को बारीकी से समझा है, वह स्थूल वध से विरमण को ही, है ना, अहिंसा कहते हैं श्रावकों के लिए। यत तत आहु माने कहते हैं क्या करने को, न हिनस्ति, नहीं हिंसा करने को, किसकी, चर सत्वान, यानी जो चर जीव हैं, एक चर जीव होते हैं, अचर जीव होते हैं, सत्व माने जीव, चर और अचर, चर का मतलब त्रस जीव, अचर माने स्थावर जीव। तो चर जीव का मतलब यहां पर है कि जो जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जो त्रस जीव के रूप में है, उन जीवों की हिंसा नहीं करने को ही स्थूल वध से दूर होने को अहिंसा कहा गया है, या स्थूल हिंसा से दूर होना कहा गया है।
अब वह जो त्रस जीवों की हिंसा है उसको कैसे छोड़ना, तो यहां बताया गया संकल्पात, माने संकल्प से छोड़ना, संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करना। फिर कृत, कारित और मनन, मनन माने अनुमोदन, यानी स्वयं करने का भी, किसी दूसरे के माध्यम से कराने का भी, और जो कोई कर रहा है उसके लिए अच्छा समझ करके उसका मन में अनुमोदन करने का भी। ऐसे योगत्रयस्य यानी मन, वचन और काय तीनों योगों से जो चर जीवों की हिंसा को छोड़ता है, दूर होता है, उनकी हिंसा नहीं करता है, वह स्थूल वध का त्यागी, स्थूल अहिंसा को पालन करने वाला अणुव्रति कहलाता है। समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? अब क्या दिक्कत है अणुव्रत धारण करने में? आपको पहला अणुव्रत लेना है जिसका नाम है अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा अणुव्रत ही है वो, महाव्रत नहीं है। तो अहिंसा अणुव्रत में सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि आप त्रस जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग रखें। त्रस जीव समझ रहे हैं ना, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, लट, क्रमी, है ना, तीन इंद्रिय में ये चीटी, चीटे, जू, दीमक आदि, और चार इंद्रिय में ये पतंगे, भौरे, मच्छर, है ना, ये सब, और पांच इंद्रिय तो जानते ही हो। इन सब जीवों को यहाँ त्रस जीव कहा गया है। इनको संकल्प के साथ में इनकी हिंसा का त्याग करना, कि मैं संकल्प लेता हूँ मैं इनकी हिंसा न स्वयं करूँगा, न कराऊँगा और न करने वाले की अनुमोदना करूँगा, ये आना चाहिए। फिर बचेगा ही क्या महाराज, फिर तो पूरी गृहस्थी निपट गई है। अब आप विचार करो, एक तरह से यहां पर आपके लिए जो हिंसा का त्याग कराया जा रहा है वो मुख्य रूप से संकल्प के माध्यम से कराया जा रहा है, और वह संकल्पी हिंसा का ही त्याग कराया जा रहा है। कौन सी हिंसा? संकल्प के साथ होने वाली हिंसा। संकल्प का मतलब मन में विचार करके बुद्धिपूर्वक उस हिंसा को करने के लिए आतुर होना, जीव को मारने के लिए तैयारी करना, ये जो है हिंसा, ये संकल्पी हिंसा कहलाती है। चार प्रकार की हिंसा बताई गई है गृहस्थों के लिए जो वो करता है। एक संकल्पी हिंसा है, दूसरी आरंभी हिंसा है, तीसरी उद्योगी हिंसा है, और चौथी विरोधी हिंसा है। ये चार प्रकार की हिंसाएं होती हैं। गृहस्थ को इन चार हिंसाओं से वास्ता पड़ता है और उसे समय समय पर इन हिंसाओं को करना भी पड़ता है, लेकिन यहां पर देखें आप तो मुख्य रूप से संकल्पी हिंसा का पहले त्याग है। अगर आपने संकल्पी हिंसा का त्याग कर लिया तो अन्य हिंसा का त्याग भी अपने आप हो जाएगा। संकल्पी का मतलब यह हो गया कि आप जानबूझकर बुद्धिपूर्वक किसी जीव को मारने के अभिप्राय से उसका मार घात नहीं करेंगे। ये क्या हो गया? ये संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग, संकल्पी हिंसा का त्याग हो गया, है ना। हम किसी जीव को मारेंगे नहीं, त्रस जीव को देख करके हमारे अंदर कोई भी विद्वेष नहीं आएगा, कसाय पैदा नहीं होगी, हम उसके प्रति ये भाव करेंगे कि ये अपना रास्ता अलग कर ले और मैं इस रास्ते पर इसको कोई बाधा न पहुंचाऊं, ये चल जाएगा। समझ आ रहा? कोई भी जीव हो, आप उनको बाहर निकाल सकते हैं, उनको अपने स्थानों से हटा भी सकते हैं, लेकिन मारने के भाव से नहीं। और ये भी नहीं कि हमने हटा दिया तो कहीं भी पटक दिया तो अब तू जान तेरा काम जान, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दयापूर्वक दया तो रखो, जहां तुम रह रहे हो वहां वो भी रह रहे हैं। आपके अंदर दया तो तभी आएगी जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का भाव होगा, तभी ये चारित्र पालन करने में आ पाएगा। अज्ञान पूर्वक तो ये हिंसा का त्याग होता ही नहीं, ज्ञान पूर्वक होता है।
तो जब ज्ञान होगा तो आपको लगेगा कि देखो मैं तो पंचेंद्री जीव हूँ, इतना बड़ा शरीर धारण किए हुए हूँ, इतने भारी मेरा शरीर है, इतने बड़े बड़े मेरे हाथ पैर हैं, ये छोटे छोटे से जीव हैं बेचारे, जिनको पांच इंद्रियां भी नहीं मिली, चार इंद्री हैं, कोई तीन इंद्री हैं, कोई दो इंद्री हैं, इन्हें अगर हमारे द्वारा बाधा पहुंच गई तो मेरे रहने का मतलब क्या। इस संसार में सबको जीने के लिए मिला है, इन्हें अपनी आयु कर्म से कोई त्रस पर्याय जैसे तैसे मिली है, ये हमारे कारण से इनकी त्रस पर्याय छूट ना जाए, जितनी देर के लिए इन्हें थोड़ा सा सहूलियत सुख मिला है उतना तो मिल जाए। पहले दया का भाव लाओ, ये दया का भाव आएगा तो अहिंसा का भाव आएगा, तभी आपके अंदर कसाई की मंदता आएगी। उन जीवों को ऐसे बुरे रूप में मत देखो, अब वो लट है तो तुम्हें गंदगी के रूप में तो दिख रही है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि बेचारा जीव देखो कैसे चल रहा है, कैसे तड़फ रहा है, कैसी एक इंद्री दो इंद्री के साथ में यहां से वहां मतलब दौड़ता हुआ डर के मारे भाग सा रहा है। ऐसा भाव नहीं आता कभी, ये विचार लाओ पहले, ये विचार है दया का भाव, आपको उससे घृणा आनी बंद हो जाएगी। कहां पर उत्पन्न हुआ, कैसे ये अपना जीवन कहां चला रहा है, कैसे जो कुछ भी थोड़ा सा अपनी इंद्रियों से जो इसको रस और स्पर्श मिल जाता है बस उसी में संतुष्ट होकर के ये अपना जीवन चील रहा है, दो चार दस दिन का जीवन होता है, कहीं ना कहीं तो बेचारा मरी जाएगा। हम अपने हाथ से इसको किसी भी तरीके से घात ना पहुंचाएं, हे भगवान मेरे लिए बस इतना ही मिल जाए बहुत है। ऐसा भाव करोगे, दया के भाव के साथ में पहले उन जीवों को देखोगे तो ही आपके अंदर एक हमदर्दी के साथ में उन जीवों की रक्षा का भाव आएगा। आदमी ने सब छोड़ दिया है, हमदर्दी नाम की चीज तो कहीं बची ही नहीं है। हमदर्दी क्या होती है, दूसरे का दर्द भी हमारा दर्द जैसा लगे उसका नाम है हमदर्द, हमदर्दी। समझ आ रहा है, हम सफर तो सबको याद है, हमदर्दी किसी को नहीं रहती है। हमदर्दी जब तक दूसरे जीवों के प्रति नहीं आएगी तब तक उनके प्रति दया का भाव पैदा नहीं होगा और तब तक उनकी रक्षा का विचार आपको आएगा नहीं। अब आपको अगर पंचेंद्री जीवों से हमदर्दी नहीं है तो आपको छोटे जीवों से कैसे हो सकती, और अगर आपकी मानसिकता केवल मनुष्य और अपने ही आसपास के लोगों से हमदर्दी की रह गई है और इन जीवों से नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आप अपने स्वार्थ में जी रहे हो। अज्ञानता से तो इसलिए जी रहे हो क्योंकि आपको वही जीव जीव दिख रहे हैं, क्योंकि उनसे आपके काम चल रहे हैं, आपका उनसे काम चल रहा है, जिनसे कोई काम नहीं चल रहा है उनके प्रति भी तो हमदर्दी रखी जा सकती है। वो हमारे किस काम के, हर किसी से स्वार्थी देखना है क्या, परमार्थ भी तो देखो। जो हमारे काम के उनसे से हमारा स्वार्थ सद गया, जो हमारे किसी काम के नहीं उनसे हमारा परमार्थ सदेगा, ये कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी बात कही। जिनसे हमारा काम पड़ता है उनसे तो हमारा स्वार्थ सदेगा और जिनसे कोई काम नहीं है उनसे हमारा परमार्थ सदेगा, ये बहुत बड़ी बात है। परमार्थ का मतलब ही होता है परम सत्य को भी जानना, परम तत्व को भी देखना। जिनसे हमारा स्वार्थ सद रहा है उनकी तो हम हिंसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे काम के हैं, जिनसे कुछ नहीं हो रहा है उन्हीं से तो हमारे अंदर दया का भाव आएगा, उन्हीं के प्रति तो हम उनकी रक्षा का भाव करेंगे तो हमारे अंदर कोई धर्म का भाव आएगा, तो वो हमारे लिए उपकारी हो रहे हैं, नहीं हो रहे? अगर वो नहीं होंगे तो हम किसको बचाएंगे, उनके निमित्त से ही तो हम रक्षा करने का भाव ला पाते, किसकी रक्षा करना है, उनके निमित्त से ही तुम्हारे अंदर दया का भाव आता है कि इनको बचाना है, नहीं तो हम बिल्कुल दयाविहीन स्वार्थी लालची जड़ होकर के रह जाएंगे। संवेदनाएं चेतना के साथ में जितनी आपकी क्षुद्र जीवों के साथ जुड़ेंगी, बेचारे दीन जीवों के साथ जुड़ेंगी, उतना ही आपके अंदर दया का भाव संवेदना के साथ में आगे बढ़ेगा। पहले ये अपने अंदर अहिंसा के लिए दया से अपने को विशुद्ध बनाओ। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं धम्मो दया विशुद्धो, धम्मो दया विशुद्धो, हाँ
धर्म दया से विशुद्ध होता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि बिना दया के ही धर्म होता रहता है। धर्म अब शुरू हो रहा है, क्रिया यदि आ रही है तो दया से प्रारंभ होगी। तो दया में सबसे पहले इतनी दया करो, जो जीव आपके आसपास घूम रहे हैं, अपना जीवन जैसे तैसे जी रहे हैं, उनके प्रति इतनी तो दया करो कि हम उन्हें संकल्प पूर्वक नहीं मारेंगे। यह संकल्प ही हिंसा का त्याग। फिर जब आप कहोगे हमने महाराज ये तो हिंसा का त्याग कर लिया, अब हमें आरंभ तो करना पड़ता है। आरंभ का मतलब जितने भी घर गृहस्थी में आपको काम करने पड़ते हो सब आरंभ ही कहलाता है। समझ आ रहा है? आपने कहीं फर्नीचर लगा दिया है ना, लगा दिया, कभी आप उसको खिसकाओगे, उठाओगे, यहाँ की चीजें वहां रखोगे, सुखाओगे, घसीटोगे है ना, झाड़ू पोंछा लगाओगे, चीजों को फटकारोगे, सुधारोगे, ये सब तरीके की चीजें जो घर में निरंतर की जाती हैं, ये सब घरेलू हिंसा में आने वाली चीजों में जो क्रिया होती है ये आरंभ की क्रिया है। इसमें भी हिंसा होती है, लेकिन इस हिंसा में भी आचार्य कहते हैं आपको त्रस जीवों की हिंसा का ध्यान रखना है कि उनकी हिंसा ना हो जाए। एक इंद्रिय जीवों के लिए अभी त्याग नहीं हो रहा है। आपको अग्नि जलाना है, अग्नि जलाओ। चूल्हा जलाना है, गैस चूल्हा जलाना है, गैस चूल्हा जलाओ। पानी भरना है, पानी भरो। कहीं से लाना है, लेकर के आओ। वनस्पति, आपको कोई साग सब्जी भाजी सब बनाना है, बनाओ। घर बनाना है, घर बनाओ। दुकान बनाना है, दुकान बनाओ। कुछ भी करो, ये सब आपके लिए क्या है, सब कुछ करना पड़ेगा और सब में हिंसा होती है। लेकिन उस हिंसा में ये विचार रखो कि इसमें त्रस जीवों का वध न हो। सुन रहे हो? कैसे हो पाएगा? अगर आप कुछ चीजों में अपने आप को बचा करके रखोगे तो आप उस वध से बच सकते हो। जैसे अगर आपका मकान बन चुका है, दुकान बन चुकी है, आपने सब कुछ अच्छे ढंग से वेल सेटल्ड आप हो चुके हो मान लो, है ना, तो अब आपने जो करना था वो तो कर ही लिया, अब आपको कुछ नया नहीं करना है। समझ आ रहा है? आपके लिए अब सिर्फ उसमें जो संभाल करना है उसमें देखना है कि इसमें अब हमारे लिए त्रस हिंसा ना हो। बस खाना पीना, चीजें लाना रखना उठाना सब करो, लेकिन क्या देखो, एक विचार रखो, हमारी किसी भी क्रिया से कोई त्रस जीव का घात तो नहीं हो गया, और होने की संभावना हो तो थोड़ा सा वहां पर संभाल करके पहले से ही किसी चीज को हटा करके किसी कपड़े से उसको थोड़ा सा दूर करके फिर वो काम करो। मान लो पहले के लोग आपने कभी देखा हो अग्नि जलाते थे, पहले तो चूल्हे होते थे, तो चूल्हे की अग्नि रात में तो बुझा दी जाती थी और सुबह उठ करके चूल्हे को फिर से संभाला जाता था। समझ आ रहा है? जो भी राख रखी रहती थी वो सब पहले निकाल ली जाती थी, सुबह सुबह रोजाना नया चूल्हा लीपा पोता जाता था है ना, और फिर उसके बाद में अग्नि के लिए भी लकड़ी जो लगाई जाती थी या कोयला जलाया जाता था उसका भी शोधन किया जाता था, उसको देख करके उसमें डाला जाता था। इतना शोधन करके लोग अग्नि जलाते थे। ये शोधन किस लिए कर रहे हैं? त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करने के लिए। चलो महाराज, ये तो आपने पुराने जमाने की बातें बता दी, अब नए जमाने में गैस चूल्हा आ गया। गैस चूल्हा आपका रात का रखा हुआ है, आप जब से सो गए तब से आप सुबह उठे, सुबह उठ करके आप जल्दी से किचन में गए और आपने खटखट खटखट वो लाइटर जलाया और शुरू हो गए। एक क्षण के लिए देखने की कोशिश करो कि उस चूल्हे के नीचे कोई कॉकरोच, कोई छिपकली, कोई भी जीव जंतु चीटा आकर के बैठा रह सकता है। वो भी रात भर में ठिकाना ढूंढता रहता है। रात में चलने वाले जीव ठिकाने ढूंढते हैं, कहीं हमें सुरक्षा मिल जाए। समझ आ रहा है? और वो उसी में आकर के बैठा था।
ऊपर उसमें भी तो वो जो गैस चूल्हे में भी तो छेद होते हैं, ढक्कन होते हैं, ढक्कन ऊपर का वो चिमनी जैसा निकल आता है ना, तो उसमें भी तो ढक्कन में कोई भी जीव घुस सकता है ना, नहीं घुसता। तो इतना तो किया जा सकता है कि कोई भी चीज जब हम कर रहे हैं, सुबह सुबह अग्नि जलाना है, सबसे पहले उसको थोड़ा सा गैस चूल्हे को उठा लो, थोड़ा सा हिला दो, कुछ छिपकली पिपकली होगी थोड़ी सी निकल जाएगी, जो उसके नीचे एक थोड़ा सा कपड़ा डाल दो, उसके ऊपर आग लगाने से पहले उसकी ऊपर की जो चिमनी, उस क्या बोलते हैं उसको, बर्नर, हाँ उस बर्नर को जो है थोड़ा सा उठा लो, एक बार उसको झड़का लो, देख लो, कुछ इतना भी कर लोगे तो आपके लिए ये क्या आएगा, ये आपके लिए आरंभी हिंसा होते हुए भी आपको त्रस हिंसा से बचना हो जाएगा, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, एक दिन उठाया था बर्नर को, कुछ तो नहीं है, दूसरे दिन उठाया उसमें भी कुछ नहीं है, तीसरे दिन उठाया तब भी कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं है, मेरी किचन तो बहुत साफ रहती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो क्या करना। अब फिर आप शुरू हो गए, अरे सब चलता है, बार बार कुठाबदारी करने से कुछ नहीं होता है, टाइम खराब होता है, और जो है बस। फिर आपने दो चार दिन बाद वैसे ही शुरू कर दिया। अब किसी दिन आपके लिए, जब इस दिन किसी दिन आपको समझ में आएगा कि इसमें वो कोई कॉकरोच जल गया, कि कोई चीटा जल गया, तब आप करोगे ये कैसे हो गया। तो आचार्य कहते हैं, जीव जले या ना जले, जीव मरे या ना मरे, एक बहुत अच्छी गाथा आती है, मरदु व जियदु व जीदो ऐदाचारस्य निच्छिदा हिंसा। जीव मरे या जीव जिए, अगर आप अयत्नाचार पूर्वक कर रहे हैं, अयत्न का मतलब कोई आप उसमें अपना एफर्ट नहीं दिखा रहे हैं, आप भीतर से उसके प्रति सावधान नहीं है, तो आपको नियम से हिंसा का दोष लगता है। ये बहुत बड़ी चीज है, इस सूत्र को समझो। यत्नाचार का मतलब है सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना, कॉन्शसनेस के साथ में केयरफुल्ली होकर के आप उस चीज को, चाहे उसमें जीव हो या ना हो, आपको सावधान रहना है। तो अगर कभी जीव मर भी गया, मान लो आपने देख लिया था, अब देखो दूसरा वही स्टेप, आपने बर्नर उठाया या नीचे जो है उस चूल्हे को हिलाया, फिर भी मान लो कोई चीज जीव उसके अंदर चिपका रह गया, आपने अपना प्रयत्न कर लिया, फिर भी जीव चिपका रह गया, बाय चांस वो मर गया, तो आपको उसकी हिंसा का दोष नहीं लगेगा। अब आप समझो कितनी बड़ी बात कही गई है। अब वो मर गया, मर भी गया, क्यों हिंसा का दोष नहीं लगा, क्योंकि आपने देख लिया था, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति की। पता नहीं, अब कभी कभी तो ये भी हो सकता है ना कि जैसे मान लो जिस समय पर जलाना शुरू किया था उस समय पर तो कुछ नहीं था, अचानक से कोई भी दौड़ता हुआ आया और उसमें घुस गया, हमने नहीं देख पाए, हम दूसरे काम में लगे थे, नहीं होता। कहां से जीव कौन सा आ जाए, कहां से भागता हुआ कहां घुस जाए, कुछ भी पता नहीं होता। अब फिर भी वो मर गया, तो उसके लिए आचार्य कहेंगे आपके लिए पाप का बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने देखते हुए प्रवृत्ति की। देखो समझो, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर वही प्रवृत्ति आपने बिल्कुल ये सोच करके कि यहां पर कोई भी जीव नहीं है, मेरी किचन बिल्कुल नीट क्लीन है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, आप रोजाना वैसे ही आकर के टक 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 करके खटखट खट करके शुरू हो जाते हो, तो आपके लिए चाहे हिंसा नहीं भी हो रही हो, तो भी आचार्य कह रहे हैं आपको हिंसा हो रही है, आपके अंदर पाप का बंध होएगा। क्यों, आप कॉन्शसनेस के साथ नहीं हो, आप प्रमादी हो रहे हो, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, थोड़ा सा चीजों को उठाने धरने के लिए आप प्रमादी हो रहे हो, यह प्रमाद आपके लिए हिंसा के बंध का कारण है। तत्वार सूत्र में यही हिंसा की परिभाषा है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योग हो गया, प्रमादी हो गए आप, जो प्रमादी है वो कसाई है। तो आपको अगर अपने अंदर हिंसा से बचने की प्रवृत्ति आएगी, तो आप भीतर से प्रमाद भाव से दूर होकर के हर काम को सावधानी से करें। क्या आप नहीं देखते हो घरों में, दरवाजों में, खिड़कियों में कितनी बार छिपकली मरी हुई मिलती है, अपने आप मर जाती है, नहीं देखते हो?
आप कभी भी कोई ऐसे भी घर में रूम होते हैं, खिड़कियां होती हैं जो कई दिनों से नहीं खोली जाती हैं, अचानक से आपको किसी दिन जरूरत पड़ी, आपने खट 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 सब खोल के डाल दिया। एक क्षण किसी भी खिड़की को दरवाजे को खोलने से पहले घर में जैसे नीचे जमीन को साफ करने का एक पोंछा रखते हो, वैसे ही एक कपड़ा अलग से रखा करो किसी भी चीज पर जो हमें बहुत दिनों से जहां हमने कोई भी संपर्क नहीं रखा है, उस कपड़े से पहले उस स्थान को थोड़ा सा हटा लो, है ना, उसका एक परिमार्जन कर लो। थोड़ा सा वहां पर कोई भी जीव बैठा होगा, आहट मिलेगी कि यहां पर आ गया है कोई, वो अपना हिलडुल करके इधर उधर हो जाएगा। अचानक से कर दोगे, वो जीव भी सकपका जाता है, वहां का घुमा वहां आया, उधर से दरवाजा इधर फिरा तो वो इधर से घुसा और बीच में दब गया, पिच गया, गया काम से। समझ आ रहा, होता नहीं है क्या? होता है, एक बार हो गया, अरे आज तो ये चूहा मर गया, आज ये छिपकली मर गई, एक दिन हो गया, दो चार दिन याद रहा, किचकिच किचकिच करते रहे और फिर करना वो ही है। नहीं समझ आ रहा है? सावधानी आपने क्या बरती? एक पंचेंद्री जीव की हिंसा होने के बाद भी आपके मन में कोई विचार आया कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, कभी हम खिड़की या दरवाजा खोलने से पहले थोड़ा सा वहां पर हम आवाज कर दें, या हम वहां पर कोई कपड़ा लगा दें, या हम कोई डंडा लगा दें ताकि कोई जीव वहां पर पहले से बैठा हो तो थोड़ा इधर उधर हो जाए, कुछ तो हम सावधानी बरते हैं। तो ऐसी अगर हमारे अंदर सावधानी होगी और उस सावधानी के साथ अगर आप वो क्रिया कर रहे होगे और उसके बावजूद भी अगर वो जीव कहीं से आकर के पिच जाए, मर जाए, तो आचार्य कहते हैं आपको पाप का बंध नहीं होगा। आप समझो कितनी बड़ी आपके लिए बात कही गई है। लेकिन आप बिना सावधानी के कर रहे हो तो जीव चाहे मरे या ना मरे, आपको पाप का बंध हो रहा है। अब लोग हमसे छोटी छोटी बातों में पूछते हैं, महाराज इसमें दोष लग गया क्या, इसमें दोष लग गया क्या, इसमें हिंसा, इसमें दोष लग गया क्या? अरे भाई, दोष तो किस में नहीं लग रहा है, दोष तो हर चीज में लग रहा है। आप ये तो देखो कि आपने कौन से दोषों का त्याग कर दिया है। जिस दोष का त्याग कर दिया जाता है उसके बारे में सोचा जाता है कि ये दोष हमसे तो नहीं हो गया। आपने कुछ त्याग तो किया ही नहीं किसी दोष का, तो दोष तो हमें से ही लग रहा है। अब छोटी छोटी बातें पूछने से क्या मतलब है कि इसमें दोष ज्यादा है कि उसमें दोष ज्यादा है। दोष तो बड़ा बड़ा ये है कि आपके अंदर कसाय के साथ, प्रमाद के साथ प्रवृत्ति चल रही है, सबसे बड़ा दोष तो ये है, वो आपको दिख नहीं रहा, आप अपने स्टैंडर्ड में जी रहे हो। उस स्टैंडर्ड के साथ भीतर भी एक स्टैंडर्ड बनाओ। समझ आ रहा है? बाहरी स्टैंडर्ड तो आपने बना लिया, होना भी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, समाज में रहने के लिए थोड़ी रेपुटेशन होनी भी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। अब भीतर से स्टैंडर्ड बनाओ अपना। हम इतना सब कुछ होते हुए भी इतने सावधान रहते हैं, इतना केयर करके हम हर चीज के साथ में अपने घर के काम करते हैं, ये आरंभी हिंसा करते हुए आपके अंदर अगर सावधानी रहेगी तो आप उससे होने वाले पाप से बचे रहेंगे। त्रस हिंसा का आपका त्याग पूरा पलता रहेगा। समझ में आ रहा? इसी तरीके से उद्योगी हिंसा, उद्योग माने व्यापार, बिजनेस। अब आपने अपने लिए किसी भी तरीके के उद्योग कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो उद्योग, वो व्यापार अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए और उसमें इतना होना चाहिए कि जो हम उद्योग कर रहे हैं उसमें कम से कम जीवों का घात हो, या उसमें पंचेंद्री जीवों का तो कम से कम घात ना हो। अगर आपके लिए कभी लगता है कि ऐसे कोई उद्योग हैं जिनमें बहुत सारे तीन इंद्री, चार इंद्री, दो इंद्री जीवों का भी घात होता है, तो आप उन उद्योगों से भी अपने आप को धीरे धीरे बचाने की कोशिश कर सकते हो। विचार करो, ऐसे उद्योग में अपना मन लगाने की कोशिश करो जिनमें हिंसा कम होती हो। ऐसे कौन से उद्योग हैं महाराज, आप देख लो। अच्छे अच्छे काम किसके होते हैं? हैं? सराफा हैं? कपड़े का व्यापार है, सराफा व्यापार है, और भी कोई काम जिनमें जीव हिंसा कम हो, आप खुद देख लो।
अगर अच्छे काम हैं, जीव हिंसा कम होती हो, तो आप उन कामों को ही प्रेफरेंस दो। आप खुद अपने मन में विचार करो कि हमारे उद्योग में कितनी हिंसा है और हम कितने उससे बच सकते हैं, बच भी पाते हैं कि नहीं। कभी कभार होती है या रोजाना होना एक नियम ही है, ये भी देखना पड़ेगा। कभी कभार तो किसी की भी असावधानी से हो सकती है, अलग बात है, उसको तो हम रोक सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें बन रही हैं उसमें हिंसा के बिना बनती ही नहीं। त्रस जीवों का विशेष रूप से आपको हिंसा का ध्यान रखना है। एक इंद्री तो चलो ठीक ही है, उसके बिना तो काम कोई चलेगा ही नहीं। मान लो आपको गुड़ भी बनाना है, तो गुड़ बनाने के लिए गन्ना का व्यापार करना पड़ेगा, गन्ने के व्यापारी से आपको गन्ना लेना पड़ेगा, है ना। या फिर गन्ना जहां पर गुड़ के रूप में बनता है वो बनेगा, उसमें कहीं पर भी त्रस का कोई घात नहीं है। लेकिन वह त्रस का घात कहां हो सकता है? अगर आपने कहीं ऐसे स्थानों पर उस गुड़ को रखा है जहां पर बहुत सारी चींटियां लग जाती हों, लगने की संभावना होती हो, तो फिर बहुत त्रस जीवों का घात हो जाएगा। समझ आ रहा है? यदि वो व्यापार इतना अच्छे ढंग से चल रहा है कि उसमें कोई ऐसा घात नहीं होता, माल आता है, उतर के चला जाता है, कुछ रुकता नहीं है ज्यादा, हमें कुछ उसमें करना नहीं पड़ता, तो अलग बात है। खुद विचार करो। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर खुद ये विवेक लाए कि हम देखते रहें कहीं जीवों की हिंसा के माध्यम से मेरे व्यापार में वृद्धि हो रही है या उन जीवों की हिंसा में वृद्धि हो रही है। हम विचार नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को कभी बदल नहीं पाएंगे। कोई कुछ भी कर भी रहा है, कोई व्यापार, तरह तरह के व्यापार जो लोग लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक विचार तो करो। आज विचार करोगे, कम से कम साल, दो साल, चार साल बाद आपके मन में कुछ ना कुछ तो आएगा विचार करते करते कि भाई हम कुछ इसको सही कर सकते हैं या इसमें सही नहीं हो सकता, तो हम बदल भी सकते हैं, सब कुछ संभव है। ये जो अपने अंदर विचार आया तो क्यों चल रहा है? जीव रक्षा के कारण से। आपके इस भाव से निरंतर आपको पुण्यबंद होगा कि आप जीव रक्षा का विचार रखे हो, और यही बंध आपके लिए उस उद्योगी हिंसा से होने वाले पाप से आपकी रक्षा करेगा। तो उद्योगी में हिंसा तो होती है, लेकिन वह हिंसा हमारे संकल्प के साथ नहीं होनी चाहिए, हमारी कृतकारित अनुमोदना के साथ भी नहीं होनी चाहिए, तब अड़ुव्रत कहलाएगा। उद्योग में भी हम ऐसा नहीं कि भैया मैं नहीं मार रहा, नौकर मार रहा है, बात तो वही है। समझ आ रहा है ना? कर नहीं रहे हो, करा रहे हो, या उसने कर दिया, चल ठीक है तू कर दिया, मेरा तो व्रत था, तूने कर दिया, ठीक कर दिया, तू अनुमोदना कर दी, तो ये भी वही हो गया। समझ आ रहा है ना? तो नहीं, हिंसा त्रस जीवों की यदि हो तो उसमें ना कृत, ना कराना और ना करने वाले के लिए अच्छा, अच्छी भावना रख करके अनुमोदना करना, ये तीनों से बचना पड़ेगा। ये अड़ुव्रत है और ये गृहस्थ थोड़ी सी सावधानी के साथ में अच्छे ढंग से पाल सकता है। अब आप कहो कौन टेंशन ले महाराज, तो एक टेंशन नहीं लोगे तो अनेक टेंशन आएंगे। समझ आ रहा है ना? है ना? और फिर एक विरोधी हिंसा हो जाती है। कौन सी विरोधी हिंसा? वो तो जब कभी होती है, कभी कभार होगी जब देखा जाएगा। उसमें क्या होता है? वो भी तब होती है जब हमारे पास में कोई अस्त्र शस्त्र हो, हम विरोधी हिंसा के माध्यम से अपनी रक्षा करते हुए अगर किसी का कभी बाई चांस कोई घात हो जाए तो आचार्य कहते हैं वो कोई बात नहीं, क्योंकि गृहस्थ के लिए सबसे जरूरी है संकल्पी हिंसा का त्याग। हमारा संकल्प तो था ही नहीं उसे मारने का, अपना बचाव करते करते उसका घात हो गया। इस प्रकार का अगर कोई कार्य होता है, अब मान लो कुछ ऐसे लोग होते हैं सेना में भर्ती हो जाते हैं, उन्हें तो अपने मार्शल के ऑर्डर का पालन करना ही पड़ेगा, तो उनके लिए जिस तरीके की हिंसा होगी वो विरोधी हिंसा में जाएगी, वो संकल्पी हिंसा नहीं है। वो देश की रक्षा कर रहा है, उसे ऊपर से ऑर्डर मिला है इसलिए वो कर रहा है, ये उसकी अपनी रक्षा के भाव से हिंसा हो रही है। तो वो तरीके की हिंसा, विरोधी हिंसा तो कुचित कदाचित किन्हीं लोगों के साथ होती है।
अब आप ये देखो कि इन चार प्रकार की हिंसा में कौन सी ऐसी हिंसा है जिससे हम अपने आप को नहीं बचा सकते। समझ आ रहा है? पुरुष होंगे तो उन्हें उद्योगी हिंसा पर विचार करना पड़ेगा, और महिलाएं होंगी तो खास तौर से उन्हें आरंभी हिंसा पर विचार करना पड़ेगा, ऐसा शायद मेरा विचार है ना? हाँ। और संकल्पी हिंसा छोड़ने के बाद विरोधी हिंसा का तो कुछित कदाचित कोई सद्भाव होता है। अगर आप इस तरह से चार प्रकार की हिंसा से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो उसमें त्रस जीवों के घात से बचेंगे, आपके लिए अड़ू व्रत का पालन होगा। मोटा मोटा स्थूल रूप से बस इतना ही, देखते देखते मेरे भावों से मेरी असावधानी से ना हो जाए, इसी का नाम है स्थूल अहिंसा व्रत। बताओ आप क्या समस्या आ रही है? आ? कुछ नहीं है? एक इसी अहिंसा व्रत का पालन करते हुए जो इस अहिंसा में दोष लगते हैं, अतिचार लगते हैं, उसके लिए आगे का एक श्लोक और पढ़ते हैं। छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणं व्यतिचारः आहार वारणापि च स्थूलवदाद् व्यपुरते पंच। प्रत्येक व्रत के पांच पांच अतिचार माने दोष बताए गए हैं, है ना? पांच अतिचार कितने होते हैं? पांच होते हैं, है ना? माने आपको स्थूल अहिंसा व्रत पालन करते हुए पांच अतिचारों से अपने आप को बचाने की कोशिश करना है। अतिचार का मतलब ये होता है कि यह एक दोष की मर्यादा, जैसे हमने कोई लाइन खींच ली कि हम इस लाइन के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उस लाइन के अंदर नहीं रहे, लाइन पे आ गए, इतनी स्थिति आ गई, है ना? या लाइन के थोड़े से बाहर आए और आकर के फिर हम अंदर हो गए। अतिचार का मतलब होता है थोड़ा सा दोष लग जाना जो संभव होता है, और उस दोष का परिमार्जन फिर हो जाता है जब हम सावधान हो जाते हैं, या उस दोष का परिमार्जन प्रतिक्रमण आदि करने से भी हो जाता है। अगर हमने ध्यान ना दिया उस दोष का परिमार्जन, हम कोई मंत्र जाप इत्यादि से भी कर सकते हैं। अतिचार बहुत ऐसी चीज नहीं कि उससे व्रत नष्ट हो गया, व्रत नष्ट नहीं होता इससे, इससे व्रत में दोष लग जाता है। अनाचार जो होता है वो व्रत में नाश कर देता है, वो उससे व्रत नष्ट होता है, तो ये भी ध्यान रखो। तो हर व्रत की सुरक्षा के लिए पांच प्रकार के अतिचारों को ध्यान में रखो, ये ध्यान रहेंगे, इन अतिचारों से बचे रहोगे तो वो व्रत की रक्षा होती रहेगी, ये इसका तात्पर्य है। तो क्या भाव है? छेदन, बंधन, पीड़न, ये तीन चीजें पहले, है ना? किसी के हाथ पैर कान इत्यादि को नहीं छेदना, है ना? अब इसमें वो छेदना नहीं कि हमें अपनी नाक की नथुनिया के लिए नाक छिदवाना है, वो तो आप शौक से छिदवा रहे हो, है ना? वो अलग मैटर है, वो कोई हिंसा नहीं है, है ना? किसी के नाक पैर हाथ इत्यादि हिंसा के साथ या कसाई से गुस्से में आकर के कि ये बार बार परेशान करता है, इसके उंगलियां ही बांध दो या इसकी उंगलियां ही काट दो, तो ऐसी जो कर देते हैं इसका नाम है हिंसा। और ये खास तौर से तब घटित होती है जब जीव जो है गाय बैल भैंस पशुओं का जब जो है थोड़ा सा मतलब उनको रखता है, उनकी संभाल करता है, कृषि आदि काम करता है, तो उसे इस तरीके के काम ज्यादा करने पड़ते हैं, है ना? तो आप देखो आपके लिए इस तरीके का भी एक कमी भाव रह गया है, है ना? गाय बैल वगैरह किसानी आदि तो बहुत कम हो गई है, फिर भी कहीं कोई के आस में गाय बैल वगैरह हो तो भी ये ध्यान रखा जा सकता है कि ऐसा ना करना पड़े, उनका कोई छेदन ना करना पड़े उनके किसी अंग उपांग का, है ना? बंधन, बंधन में भी वो इतना ही रहे जितना उसके लिए जरूरी है। घर में रोक करके बांध के रखना वो बंधन नहीं है, बंधन वह हो जाता है कि जिसमें कि उसके लिए इतनी पीड़ा हो जाए कि वो भूखा पड़ा है और वो वहां से वो चीज ले भी नहीं पा रहा है, और उसके बंधने के कारण से वो कोई चीज को उठा नहीं पा रहा है, वो बंधन। समझ आ रहा है? तो इस बंधन से उसको बचाना। अब ये आप अपने नौकर चाकरों के साथ भी लगा सकते हो, गाय बैल नहीं है तो क्या होगा, है ना? छेदन, बंधन, पीड़न, पीड़ा देना। हम कभी नौकर चाकरों से काम कराते हैं
उनको पीड़ा हो जाती है, उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता। मुझे क्या करना, तुझे पैसा दे रहा हूँ काम कर, सामने वाले की स्थिति भी देखो, मजदूर है काम करने आया है, उसका शरीर देखो कितना बोझ उठा रहा है, कितना सामान सुबह से शाम तक ले जा रहा है, ये भी देखो कि भाई ये भी तो आदमी है, सूखी चार रोटी खाता है मिर्ची के साथ में, समझ आ रहा है, और ये कैसे इतना काम करेगा। तो उस पर अपना इस तरीके से भाव रख करके उसको पीड़ा नहीं देना। मार पीट करके काम कराते हैं लोग, ये भी पीड़न में आ जाता है पीड़ा दे करके। तो ये एक दोष है, इनसे आप बचने का ध्यान रखोगे तो आपका वह अहिंसा अणुव्रत अच्छे ढंग से पलेगा। और फिर अति भारारोपणम, जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर भार डाल देना। अब ये जरूरत से ज्यादा भार क्या होता है, आज बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग जॉब कर रहे हैं, उन बेमालिक हैं कंपनियों के मैनेजर, जो अपने बच्चे होते हैं इस सब, उन बच्चों बच्चे जो है जॉब कर रहे हैं, सब एम्प्लॉई हैं, कितना भार डालते रहते कंपनी के लोग, हमें कोई मतलब नहीं है, आपको इतना काम इतने दिन में करके देना है, चाहे वो रात रात भर लगे रहें, चाहे अपनी आंखें फोड़ें, चाहे वो किसी तरीके का घूमें फिरें कुछ भी करें, उनके घर में कुछ हो रहा है उन्हें उससे मतलब नहीं, उनकी खुद की स्वास्थ्य बिगड़ रहा है उन्हें उससे कुछ मतलब नहीं, हमें काम का ये टारगेट है पूरा करके देना है, बस। ये अति भारारोपण में आ जाता है। आज का अति भारारोपण, पहले के पशु होते थे उनके ऊपर बोझा ढोया जाता था, अब आज पशुओं के ऊपर बोझा नहीं ढोया जा रहा, मनुष्य बोझा ढो रहा है, और क्या है? अब वो अति भारारोपण इतना हो गया कि अब उसकी नींद नहीं हो रही है, भूख नहीं हो रही है, काम का वेट इतना है कि अगर वो जो है उसको पूरा ना करके दे तो उसे लगता है आगे पेमेंट नहीं मिलेगी, जॉब करने से फिर हमारा जो घर का एक खर्चा है जो रेंट पर ले रखा है हमने अपना कमरा, और इतना खर्चा ये कहाँ से निकलेगा, तो उसे हर तरीके से जूझ करके मर करके करना पड़ता है। ये क्या है, ये भी अति भारारोपण है। आप भी किसी के मालिक हो सकते हैं, आप भी दूसरों से काम कराते हैं, अति भारारोपण ना हो, जितनी जिसकी क्षमता है उसको उतना ही करने दिया जाए। कभी आदमी अपनी कोई असमर्थता बताए तो सुनने की भी तो एक सामर्थ्य रखो, सुनते ही नहीं कुछ लोग तो, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर डायरेक्टर अल्टीमेटम जारी कर देते बिल्कुल वैसा, हमें कुछ सुनना ही नहीं, जो है इतना करके देना है टारगेट, और उन्हीं बच्चों को पकड़ते हैं जो बच्चे अच्छे मेहनती होते हैं। अब जब तक मेहनत हो रही है तब तक तो कर रहे हैं, और जिस दिन उनके हाथ पर काम करना बंद कर देंगे, एनर्जी नहीं रहेगी, उस दिन पड़े दिखाई देंगे। तो अति भारारोपण ये चल रहा है, हिंसा चल रही है, ये मानसिक हिंसा है, समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं इससे भी बचो, सामने वाले को चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य हो, अति भारारोपण नहीं, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, उसके लिए छेदन बंधन पीड़न कुछ नहीं, और आहार वारणा पीच, इतना भी तो ध्यान रखो कि उसके आहार आदि की क्रिया समय पर हो, वो ना रुक जाए, वो भूखा है इधर आप उसमें डंडा लगाए जा रहे हो, अभी एक चक्कर और लगा ले, हैं? माल अभी और ले आ, एक बार वो कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है, मेरा टाइम हो गया है, वो टाइम तेरा बाद में होता रहेगा, एक घंटा और काम कर ले फिर बाद में बैठा रहना, समझ आ रहा है? तो एक घंटे के लिए आपने उसको रोक दिया तो क्या हो गया, आहार वारण कर दिया, वारण माने रोक देना, ठीक है ना। तो किसी के इस प्रकार से आहार आदि का निरोध कर देना, रोक देना, यह भी एक तरह की हिंसा का ही एक अतिचार है, ये अहिंसा का अतिचार है, और इसमें भी दोष लगता है। इस तरह से इन पांच दोषों पर ध्यान दो, पांच हो गए ना, छेदन बंधन पीड़न अति भारारोपण और आहार का वारण, इस तरह से पांच चीजें मत करो, और बाकी की त्रस हिंसा से बचने के लिए कृतकारित अनुबोधना से तैयार रहो, आपका अहिंसा अणुव्रत आपके लिए पूरे नंबर देगा, समझ आ रहा है? हाँ, पास होने की कोशिश करो इस अहिंसा अणुव्रत में, ठीक है ना, तब आपको दूसरे अणुव्रत की बात बताएंगे। बोलो महावीर भगवान की जय।